हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका बीसीडी सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बसीराम मात खान। दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ एनआरबी के मैटर में, यानी ये जो मेरा पुराना सा मोटर है इधर मैं पाइपलाइन करूँगा और इधर जब भी होएगा आप लोगों को इसका वीडियो बना के दोबारा दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, इधर दो तरीका का एनआरपी है, यानी एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। अब हॉरिजेंटल वर्टिकल में फ़र्क होता है आप लोगों को भी पता है। तो इधर आप लोगों को बहुत सारा तरीका बताऊंगा एनआरबी लगाने का, ताकि आप लोगों का कभी गलती ना हो। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो उधर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उधर का आप लोगों का सवाल आप यूट्यूब में लाने वाला हूँ, आप लोगों को जवाब देने वाला हूँ। उधर भी आप लोगों को जवाब दूंगा, फिर सबको जवाब दूंगा। सबसे पहले आप लोग उधर फॉलो कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इधर दो तरीका का जो एनआरबी है, और ये जो है आपका वर्टिकल यानी खड़ा वाला। वर्टिकल उसे बोलते हैं जो स्ट्रेट रहता है ऊपर से खड़ा, और हॉरिजेंटल यानी आड़ा वाला जो लेटा हुआ रहता है। आप ये जो दो तरीके में लग जाता है, आड़ा वाला आड़े में लगता है, खड़ा वाला खड़े में लगता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप जो है हॉरिजेंटल वर्टिकल में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ करूँगा और आप लोगों को तब बताऊँगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इधर समझा दूँ, ताकि कभी गलती ना हो। सबसे पहले देख लीजिए, इसे हम लोग वर्टिकल एनआरबी क्यों बोलते हैं, मतलब ये जो है आपका खड़ा वाला लाइन में लगता है। ओके, जो स्ट्रेट मतलब ऐसे ये वाला खड़ा वाला लाइन है, और इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, मतलब वर्टिकल में ऐसा एनआरबी लगता है स्प्रिंग वाला। लेकिन इसे आप हॉरिजेंटल में भी यूज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, जब आपका पानी का प्रेशर इनपुट एंड आउटपुट दोनों में ज़ोरदार हो, मतलब आपका जाता भी अच्छा से हो और वापस भी आने की ताकत रखता है उसे बंद रखने के लिए, क्योंकि ये जो है आपका स्प्रिंग सिस्टम है। ओके, इसे आपको चेक करना पड़ेगा, ये नॉर्मल है कि हार्ड है। बहुत सारा स्प्रिंग जो होता है हार्ड होता है, जैसे कि ये वाला जो है नॉर्मल है। मैं जुबान से फूंकता हूँ, देखिए। ऐसे आपका जुबान से फूंककर अगर एनआरबी का स्प्रिंग को ठेल सकता है, तो आप हॉरिजेंटल में वर्टिकल वाला एनआरबी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। लेकिन आपका इनपुट और आउटपुट में प्रेशर अच्छा होना चाहिए पानी का। लेकिन वर्टिकल में हॉरिजेंटल लगाते हो तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान देना है। और हॉरिजेंटल में भी हॉरिजेंटल लगाना है, उसमें भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसकी जो आदत है थोड़ी सी बदतमीज डिजाइन की है, आपका बहुत परेशानी होएगा। इसमें देख लीजिए हॉरिजेंटल वाला एनआरबी, इसमें स्प्रिंग नहीं रहता है, सीधा जाता है और वापस पानी का वेट से लग जाता है, नॉर्मल प्रेशर भी रहेगा तो। लेकिन इसको लगाने का भी तमीज होता है, यानी अगर ये जो नट बोल्ट देख रहे हो हॉरिजेंटल का, ये हमेशा ऐसा ऊपर रहना चाहिए। अगर इसे आप आड़ा टेढ़ा करते हो, मतलब ये जो है देख लीजिए, सबसे पहले जिधर पानी जाएगा आपका उधर ये एरो देखकर लगाना पड़ेगा। सेम आपका इसमें भी है, समझ लीजिए मेरा नीचे पानी जाएगा तो नीचे की साइड ऐसा लगेगा। ओके, ये एरो देखकर तो आपको लगाना है, नहीं तो गलती कर बैठोगे तो फिर पानी नहीं जाएगा, आपका सब जल जुल जाएगा। आप इस एनआरबी जो है हॉरिजेंटल वाला, इस हॉरिजेंटल वाला जो एनआरबी, कभी भी आप नट को आड़ा टेढ़ा मत रखिए, जैसे कि ऐसा मत रखिए या फिर ऐसा पूरा उल्टा मत करिए। अगर ऐसा कर दोगे तो आपका इचिंग बिचिंग चाम चीचिंग हो जाएगा, मतलब पानी आएगा भी और जाएगा भी। समझ लीजिए आप ऐसे आड़ा रख देते हो, तो आड़ा में कभी कभी क्या होता है, आपका काम कर जाएगा, कभी कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसका कैप जो है कभी काम करेगा और नहीं करेगा, पानी का फ्लो के हिसाब से हो जाता है। ओके, इसे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप समझे नहीं समझे, चलिए आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देख लीजिए, अगर आप पूरा उल्टा करते हो तो इसमें और एक प्रॉब्लम क्या है, जो केप है वो आपका आते हैं मुसाफिर और जाते हैं मुसाफिर, हमेशा पानी आते रहेंगे और जाते रहेंगे, एक केप कभी बंद नहीं होएगा, आपको हमेशा ऐसे ही सीधा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये केप जो है आपका पानी ऑटोमेटिक उधर से आएगा और जब भी पानी बंद होएगा ऑटोमेटिक नीचे गिरने की कोशिश करेगा, पानी बंद हो जाएगा। आप इधर से जो आपका पानी जाएगा वो हमेशा उसे आपका प्रेशर देगा, इधर से हल्का सा भी प्रेशर मिलेगा तो वो चप जाएगा उधर, और कभी कुछ नहीं होएगा। अब लोगों को और एक तगड़ा चीज़ बताने वाला हूँ, यानी वर्टिकल लाइन में हॉरिजेंटल एनआरबी कैसे लगने वाला है। ये वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया, और शायद वो भी आपको बहुत सारे भाई को पता है,
अगर नहीं है तो ये चीज़ भी आप इस्तेमाल करिए, बहुत ही मस्त काम करेगा। चलिए ये चीज़ बता देते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा और वर्टिकल यानी खड़ा। मतलब वर्टिकल लाइन जब भी आप यूज करते हो ये आपका हॉरिजॉन्टल एनआरबी है, खड़ा वाला लाइन में वर्टिकल लाइन में आपको लगाना है। तो कैसे लगाना है ये आप देख लीजिए। अब ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल एनआरबी है, ओके, इसे आपको वर्टिकल लाइन में यूज करना है। कब करना है कैसे देख लीजिए, जब आपका नीचे से पानी ऊपर जाएगा, मतलब नीचे से पानी अगर ऊपर जाता है तब आप ये वाला एनआरबी यूज कर सकते हो। ये एरो देख लीजिए ऐसा रहेगा, ऊपर से बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ओके, क्योंकि देख लीजिए आप इधर अगर ऐसे नीचे से पानी आया तो ये जो केप है ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, आप ऑटोमेटिक गिरेगा, ऊपर से पानी का तो फ्लो रहेगा, पानी का प्रेशर तो वो दबा कर ही रख देगा, कभी भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका ऊपर से पानी आता है और नीचे से नहीं जाना चाहिए ऊपर, तो गलती से भी ये एनआरबी मत लगाइए, आप वर्टिकल एनआरबी ही लगाइए जो वो वाला है स्प्रिंग वाला, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब देख लीजिए ऐसा एरो रहेगा तो आप बिल्कुल मत लगाइए ऊपर से, अगर पानी आता है तो आपको वर्टिकल वाला ही लगाना पड़ेगा। आप ये ऐसे रहेगा, नीचे से पानी जाएगा तो आप हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो, और कुछ बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत ही काम का वीडियो बनाया हूँ। और वीडियो अच्छे लगते तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और डिसलाइक करना चाहते हो तो जरूर डिसलाइक कर दीजिए, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। फिर मैं नहीं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ।